वैभव कृष्ण प्रकरण को लेकर जहां पर जल्द ही एसआईटी पांचों आईपीएस अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। वैभव कृष्ण ने जिन आईपीएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उन पर जल्द ही यहां पर कार्रवाई हो सकती है, पूछताछ एसआईटी कर सकती है। तो जल्द ही पांचों आईपीएस को नोटिस भी यहां पर कहा जा रहा है कि जारी किया जाएगा। तो अजयपाल शर्मा, सुधीर कुमार सिंह, इसके साथ ही हिमांशु कुमार, गणेश साहा, राजनीव नारायण मिश्र को नोटिस भेजे जाएंगे। वैभव कृष्ण से एसआईटी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। जेल में बंद पत्रकारों और मुख्य सचिव के सूचना उप निदेशक से भी जल्द पूछताछ की बात सामने आई है। तो वैभव कृष्ण जिन पर कुछ दिन पहले ही यहां पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन इनके जरिए पांच ऐसे अधिकारी जिन पर आरोप लगाया गया था भ्रष्टाचार को लेकर, और अब कहा जा रहा है कि उन पांचों अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है, एसआईटी उनसे पूछताछ कर सकती है। तो अजयपाल शर्मा, सुधीर कुमार सिंह, हिमांशु कुमार, साथ ही गणेश साहा और राजीव नारायण मिश्रा को नोटिस जाएगा। तो पहले ही एसआईटी हालांकि वैभव कृष्ण से पूछताछ कर चुकी है, जेल में बंद पत्रकारों से भी कहा जा रहा है कि इस मामले में पूछताछ होगी, लेकिन पांचों आईपीएस अधिकारी जिनसे जल्द ही पूछताछ हो सकती है। और गगन मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। गगन, क्या अपडेट अभी तक इस पूरे मामले में, कब तक कहा जा रहा है कि एसआईटी जो है इन पांचों आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई की शुरुआत कर सकती है? देखिए, जब से वैभव कृष्ण अपडेट है तब से भी लगातार जांच चल रही है, और जब वैभव कृष्ण को सस्पेंड किया गया उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया, जिसका जिनमें डीजी विजय सरस्वती के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी दो दिन पहले ही 15 जनवरी को कृष्णा को अपने कार्यालय बुलाया था और उनसे पूछताछ की। वैभव कृष्ण ने अपने जितने समूह थे कैसे खाने लाए, चल रहा है, बाकी जितने भी सबसे हैं। अब माना जा रहा है कि आज जब कल में पांचों आई थे मानसू सिंह है, राजीव मिश्रा जो उनको पूछताछ की अपने कार्यालय वापस किए, और उसके अभी जी। चलिए गगन, गगन बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो गगन जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, कार्रवाई अब इन पांचों आईपीएस अधिकारियों पर होगी। तो आपको बता दें कि वैभव कृष्ण ने जिन आईपीएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, अब एसआईटी जल्द ही उनसे पूछताछ कर सकती है। हालांकि इससे पहले ही वैभव कृष्ण से पूछताछ यहां पर की जा चुकी है। तो जेल में बंद पत्रकारों के साथ ही मुख्य सचिव के सूचना उपनिदेशक से भी जल्द एसआईटी पूछताछ करेगी।